The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary. Alexander Elder. Iska meaning kya hai? A quote to remind you to focus on getting the trade to work first. Money is the reward and outcome of a successful trade. Thinking solely about the reward will cloud your judgment. Good morning, friends. Currency Daily Analysis में आप सभी का स्वागत है. आज है 12th of December 2022. आइए देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है ऑन डिफरेंट करेंसी पेयर्स. नमस्कार दोस्तों, डॉलर इंडेक्स जो फ्राइडे यूएस मार्केट में क्लोज दिया है वो 104.93. 13th ऑफ दिसंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएस सीपीआई, क्योंकि वहीं से पता चल जाएगा जो फर्स्ट लास्ट मंथ का जो सीपीआई बेटर देन एक्सपेक्टेशंस था उसका कंटिन्यूशन होता है या नहीं होता है. उसके बेसिस पे डॉलर इंडेक्स एंड यूएस ट्रेजरी 10-year ट्रेजरी यील्ड्स के ऊपर एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है आफ्टर 13th ऑफ दिसंबर, फॉलोड बाय 15th ऑफ दिसंबर पैक ऑफ डिसीजंस, बीओई, ईसीबी एंड एफओएमसी रेट डिसीजंस. सो इस हफ्ते में बैक टू बैक मींस काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर लाइंड अप. दैट बीइंग द केस, डॉलर इंडेक्स पे हमें थोड़ा सा इंतजार करना है. उसका मेन रीजन क्या है कि आप अगर देखोगे वीकली इज टेकिंग सपोर्ट एट 60 आरएसआई एंड मंथली इज जस्ट अराउंड 60 फ्रॉम अबोव. सो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि यहाँ से कुछ एक रिट्रेसमेंट या रिवर्सल हम कुछ देख सकते, लेकिन उसके लिए प्राइस सेक्शन हमें देखना जरूरी है. प्राइस सेक्शन में डेली बेसिस में ये अगर हायर है हायर लो बना देते हैं इन सच सिनेरियो, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा. अभी आते हैं डॉलर रुपी पे. डॉलर रुपी जो क्लोज दिया है ऑन यूएस मार्केट दैट इज 82.46. इसमें देखने वाला बात है मंथली आरएसआई सुपर बुलिश अबव 60, weekly RSI took support at 60 and also daily RSI taking support at 60. That being the case, आपका ये जो 7th December का high है, 7th December के high के ऊपर जैसे ही price ऊपर जाने का प्रयास करेगा, there are higher probabilities कि रुपी ऊपर फिर और एक upward momentum कर दे. GBP dollar में भी हम ये देखेंगे कि वीकली टर्म्स में इट हैज जस्ट अप्रोच्ड 60 एंड यहाँ पे जाके हमें देखना है कि क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं. इस टाइप का रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मंथली में ये बिलो 40 से अबो 40 आ चुका है और इस डेली में थोड़ा सा बुलिशनेस बरकरार है. डेट बिंग द केस यहाँ पे हमें 13th एंड 15th के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए इंतजार करना पड़ेगा. जीबीपी आईएनएस मंथली जो है इट इज अप्रोचिंग 60, वीकली अबव 60 चला गया है एंड डेली जो है ऑलरेडी अबव 60 में. दैट बीइंग द केस यहाँ पे हमें वी नीड टू लुक फॉर सम बाइंग अपॉर्चुनिटीज. अभी बाइंग अपॉर्चुनिटीज कैसे देखना है इसको डिप में जाके थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट्स में हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ढूंढ सकते हैं. अभी देखते हैं यूरो डॉलर. यूरो डॉलर आप देखो कि वीकली इज एट 60, मंथली जस्ट बिलो 40 से अबव 40 में आके 42.62 में अभी है एज ऑफ नाउ. तो ये देखने वाला बात है RSI weekly at 60, that being the case, there are higher probabilities price थोड़ा सा यहाँ पे consolidate या retrace कर सकता है. On weekly time frame, अगर सबसे best case scenario होगा एक retracement दे देता है उसके बाद जाता है and in the meantime ये जो 20 period moving average है ये भी इसके आसपास support लेके price फिर दोबारा ऊपर जाए. यानी I repeat, वीकली टाइम फ्रेम में अगर प्राइस रिट्रेस करके टुवर्ड्स सेंटर बैंड की तरफ आता है उसके बाद
समर वहीं से सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर जाता है. दैट इज गोइंग टू बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग मूव ऑन वीकली टाइम फ्रेम. एज ऑफ नाउ यहाँ पे लॉन्ग करने से थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि ये RSI 60 रेजिस्टेंस एरिया में है. देर आर हायर पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है. ऑल्सो मंगलवार को एंड गुरुवार को इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर देयर. यूरो आईएनआर देखते हैं. अभी यूरो आईएनआर में मंथली इज अप्रोचिंग 60, वीकली इज अबव 60, डेली इज ऑलरेडी अबव 60. दैट बीइंग द केस, हमें डेली में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए. इन सच ए केस लोअर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट करने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम ढूंढ सकते हैं. डॉलर येन आपका मंथली अबव 60 है एंड अप्रोचिंग टुवर्ड 60. वीकली इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट अराउंड 60, अराउंड 40. एंड यहाँ पे थोड़ा सम सॉर्ट ऑफ अभी कंसोलिडेशन है. दैट बीइंग द केस, डॉलर येन में देयर आर हायर प्रोबेबिलिटी की थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट कर सके. बट उसके लिए हमें मंगलवार और गुरुवार का मीन्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस के लिए इंतजार करना पड़ेगा. एंड अगर ये ऊपर जाना है तो डेली टाइम फ्रेम में ये हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होना पड़ेगा. एज ऑफ नाउ इट इज मेकिंग लोअर लो फॉर्मेशन ऑन डेली टाइम फ्रेम. अब देखो कि कंटिन्यूअसली ये लोअर है, लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है. इसको आपको ट्रेंड चेंज करना है तो हायर लो फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा. येन आईएनआर में अगर हम देखेंगे, येन आईएनआर में भी मंथली बिलो 40 से अबव 40 में आ चुका है. डेली वीकली में जस्ट अराउंड 60 में है. अभी देखना है कि क्या ये 60 में रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता है. बट डेली में सुपर बुलिश है, अबव 60, करंटली एट 69.80. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, बिकॉज सामने काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है. प्लस वीकली एट क्रूशियल RSI 60 के आसपास है. क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है? डॉलर कैंडी में आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकता है. उसका मेन कारण मंथली टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 फ्रॉम बिलो, वीकली भी 60 के वहीं पे आ चुका है फ्रॉम बिलो, एंड डेली में एक आपका जस्ट 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे हम अगर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट खींचेंगे तो डेली में अगर इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे प्राइस क्लोज दे देता है समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हो सकता है. ऑल्सो RSI के यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट डालने का कोशिश करेंगे, RSI जैसे ही इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दे देगा, यहाँ पे हम एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑसी डॉलर पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका मंथली जो है बिलो 40 से अबव 40 आया है, वीकली भी बिलो 40 से अबव 40 आके अभी 51.88 है, एंड डेली आपका यहाँ पे 60 में रेजिस्टेंस ले रहा है. दैट बीइंग द केस, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन और साइडवेज मूवमेंट होने का प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है. डॉलर CNH में आपका यहाँ पे RSI टर्म्स में मंथली में जो है अबव 60 से बिलो मींस जस्ट 60 के आसपास आया है. करंटली जस्ट बिलो एट बिलो 60, दैट इज एट 58.48. वीकली 60 को ब्रीच करके इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 40, अभी 50.63 में है, एंड डेली में एट 37 बिलो 40 है. दैट बीइंग द केस, डेली में अगर मींस यहां पे अभी भी सेल ऑफ का इमोशंस है, मीन्स प्रोबेबिलिटीज है, ये अप्टिक में हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं. यूके ऑयल 76.63 मंथली साइडवाइज 40-60 पे है, वीकली में बिलो 40 है, सो बेयरिशनेस इज देयर, एंड डेली में आपका बिलो 40, दैट इज एट 27.29. सो यहाँ पे अप्टिक में हम इसको सेल कर सकते हैं. यूएस 10-ईयर ट्रेजरी आप देखोगे तो मंथली अबव 60 है, वीकली अबव 60 से बिलो
60 में आके अभी 54.54 में है एंड डेली में क्रॉलिंग कर रहा है अराउंड 40। दैट मीन द केस ये ट्रेंड लाइन क्लोज के बाद, हाँ ये ट्रेंड लाइन जो है बेसिकली आप अगर वीकली एंड डेली, लेट इट टेक इट वीकली एंड डेली आपका क्लैरिटी के लिए, ड्यूएल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला सेटअप है आपका यहाँ पे। तो ये आप देखो वीकली में सेंटर बैंड में सपोर्ट लेके एक विंड बार बनाया है वीकली क्लोजिंग, एंड डेली जो है लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड में है। सो इट्स अ टिपिकल ड्यूएल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला सेटअप बिटवीन वीकली एंड डेली। दैट मीन द केस ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही क्लोज देगा देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज यूएस 10-year ट्रेजरी ऊपर जा सकता है। सामने इंपॉर्टेंट इवेंट है 13th and 15th, so we need to wait for that one and possibilities ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जा सकता है। So currency daily analysis अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।